नमस्कार, स्वागत है सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाही और मार्केट टाइम्स टीवी में चर्चा करेंगे बाजारों की चाल में, यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार के दिन कमोडिटी बाजार की चाल कैसी देखने को मिल रही है, नॉन एग्री और एग्री कमोडिटीज पर कहां पर कितने कमाई के मौके हैं। और आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं TPAI के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा जी। वाधवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार जी। नमस्कार वाधवा जी, सबसे पहले आपसे नॉन एग्री के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, वो भी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। हमने हाल ही में गोल्ड को काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करते हुए देखा है। कभी गोल्ड की मार्केट एक दिन में डाउन चली जाती है तो उसके दूसरे दिन थोड़ी अप चली जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और आने वाले समय में गोल्ड की मार्केट किन फैक्टरों से ड्राइव होगी और क्या प्राइसेस रहेंगे? देखिए, ये मार्केट्स का बेसिक नेचर है अप एंड डाउन होना जी। लेकिन वॉलेटिलिटी पीछे हमने देखा है काफी बढ़ गई है, ना सिर्फ अपनी कमोडिटी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, वर्ल्ड ओवर ये वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। करेंसी में भी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। आपने बात करी गोल्ड की, गोल्ड के कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वॉर बिटवीन यूक्रेन और रशिया, इसमें काफी अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल इन्फ्लेशन है। हमने देखा पिछले दो साल के अंदर जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने काफी करेंसी छापी, जिससे जो विड्रॉल होनी शुरू हुई है, जिसकी वजह से हमने देखा गोल्डन ग्लोबल इन्फ्लेशन है। तो जब ये विड्रॉल हो रही है तो इससे काफी फर्क पड़ रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है सारी मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट नहीं, कैपिटल मार्केट, करेंसी मार्केट, सब में ये हो रहा है। डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, इंडिया से FPI जो है काफी विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सारे इम्पैक्ट है उस तरफ से। ऑयल भी इस लॉफ्टी लेवल पे है जो कि सारे की सारी मार्केट्स को डिपेंड इम्पैक्ट करता है, तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड में काफी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। मैं कोई डायरेक्शनल कॉल, जैसे आपने इनिशियली कहा कि आप डिस्कस करेंगे, डायरेक्शनल कॉल मैं कुछ नहीं कहता, कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ऐसे पीरियड में जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो सारा इन्वेस्टर वर्ल्ड का जो होता है वो सेफ हेवन में जाता है। सेफ हेवन के अंदर गोल्ड एक बहुत बड़ा कमोडिटी होती है जिसके अंदर लोग अपने को शेल्टर करते हैं, तो उस हिसाब से गोल्ड जो है काफी स्टेबल और अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है बाबा जी, अगर इसी के साथ कच्चे तेल पर बात करें तो कहा जाता है कि क्रूड पूरी इकोनॉमी को चलाता है और हाल ही में हमने क्रूड में यहाँ पर तेजी बनती हुई भी देखी है। एक तरफ तो रशिया यूक्रेन का वॉर, दूसरी तरफ मार्केट में ऑलरेडी हम सप्लाई टाइट देख रहे हैं, फिर चाइना जैसे ही आता है मार्केट में बिजनेस करने के लिए फिर से शंघाई में वहां पर लॉकडाउन की खबरें आ जाती हैं, तो ऐसे में क्रूड की मार्केट क्या स्टेबलाइज हो पाएगी? क्योंकि अभी हाल ही में हमने 2 जून को ओपेक की बैठक भी होते हुए देखी, जिसमें जून और जुलाई में ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने क्रूड की जो सप्लाई है उसको और बढ़ाने को भी कहा है। देखिए, एक तो यूक्रेन और रशिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां पर एनर्जी क्राइसिस है यूरोप के अंदर जी। और सप्लाईज जो गैसेस की है, रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है, यूक्रेन सबसे बड़ा सप्लायर है यूरोप के अंदर जी। तो ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, गैस प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस, ये सारे लिंक्ड हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना में लॉकडाउन होने के बाद, बार बार लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो हमारा ऑयल है वो $120 के अराउंड घूम रहा है और वो उसमें नीचे आने की कोई दिखाई नहीं दे रही पिछले कई दिनों से। तो अगर ये वॉर का जो जैसे है ये बंद नहीं हो रही और लिंगर ऑन हो रही है, चाहे जो मर्जी फैक्टर्स लिए जाए, ओपेक की मीटिंग में भी हमने देखा कि एक्स्ट्रा सप्लाईज की बात हुई, हमारा जो ऑयल है इसी के अराउंड या मेरे को लगता है और भी ऊपर जाने की उम्मीद है। तो मेजर फैक्टर इसके अंदर मैं मानूंगा कि जो वर्ल्ड के अंदर एनर्जी क्राइसिस है और जो सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस हुई हुई है उसकी वजह से ऑयल ऊपर की तरफ है, और अभी इसके अंदर मेरे को नहीं लगता, अनलेस यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर कोई सहमति हो या ये ठंडी हो, तो ये ऑयल कहीं नीचे आने की उम्मीद है। नरेंद्र जी, ये जो कच्चा तेल है वो ओपन में फिर कहां तक जा सकता है? $120 तक तो हम अभी हाल फिलहाल में देख चुके हैं।
देखिए मैं टेक्निकली टेक्निकल कोई एनालिसिस या फंडामेंटल कुछ नहीं कर रहा, बट जो सुनने में आ रही है और जो हमारे इंटरनल रिसर्चर भी कहते हैं कि इसको $135-140 तक लगता है कि ये खींच सकती है। तो यानी कि जो लेवल हमने रशिया यूक्रेन के वॉर के स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में देखा था, वही लेवल फिर से अब कच्चे तेल में बनते देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ जी। वाधवा जी, अगर बेस मेटल्स की तरफ नजर डालें तो बेस मेटल्स में अभी क्या फंडामेंटल्स हैं, ओवरऑल बेस मेटल्स का बाजार कैसा देखते हैं आप? देखिए बेस मेटल के अंदर मेरे को लगता है मेटल एज सच बेसिकली इसके अंदर जो सप्लाई फैक्टर है वो एक बहुत बड़ा पीछे वो था, डिस्टर्बेंस हुई हुई थी तो सारी सप्लाई चेन के अंदर इश्यूज थे, तो जिसकी वजह से बेस मेटल में काफी तेजी आई थी पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर। बट अभी जो ये है ये काफी स्टेबलाइज हो गई है और मेरे को लगता है कि हमने हाईस जो हैं वो देख चुके हैं, अभी मेरे को नहीं लगता इसके अंदर काफी अप ट्रेंड है, ये कहीं सप्लाई चेन खुलते रहेंगे और ये ठीक होती रहेगी और मेरे को लगता है बेस मेटल यहाँ से कहीं ना कहीं सॉफ्टन होंगे जी। वाधवा जी, वैसे तो जैसे आपने कहा कि बेस मेटल्स यहाँ पे थोड़े सॉफ्टन होंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उसमें भी मेटल्स की खपत काफी ज्यादा होती है, तो क्या उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता रहेगा या फिर बेस मेटल्स में जो जैसा आपने बताया प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट होंगे वैसा ही होगा? मेरे को लगता है ईवी जो है उसका बस ज्यादा है अभी, इतना बड़ा उसके अंदर इतनी डिमांड क्रिएट नहीं हो रही। हाँ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली कई मेटल्स जो हैं, कई जो इनपुट्स हैं जो ईवी के अंदर जरूरत है उसकी वजह से उसमें तेजी आएगी, बट अभी मेरे को लगता नहीं कि जो मैंने पहले बोला था कि बेस मेटल हल्के होंगे यहाँ से, तो वही वाला जो है इंडिया के अंदर भी चाहे वो ईवी के अंदर इनपुट्स हैं उसके अंदर काफी चीजों की, लेकिन मेरे को लगता है ये इनके रेट्स जो है नीचे आने की उम्मीद है जी। वाधवा जी, यहीं से अगर कृषि फसलों की बात करें तो हमने यहाँ पर इस समय जो पूरी दुनिया पर अभी सबसे बड़ा टॉपिक बना हुआ है एग्री में वो है गेहूं वीट। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हम देख रहे हैं कि सभी देश जो जो वीट के लिए इम्पोर्ट पर डिपेंड थे वहां पर प्राइसेस में हाइक हुआ है और भारत सरकार ने यहां से इंपोर्ट पर बैन लगा रखा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है अब वीट का जो मार्केट है वो कैसी रहेगी? देखिए हमारे पास पहले कई सालों से वीट के अंदर सरप्लसेस होते थे जी, FCI के गोदाम भरे हुए थे, उसका समझ नहीं आ रहा था कि हर साल हमारा प्रोडक्शन है और कंजम्पशन उससे कम है तो हम सरप्लस में थे। तो गवर्नमेंट ने उसी राह के अंदर देखा जब ये क्राइसिस आया यूक्रेन का और रशिया का कि कई नेशन जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, यूएन के अंदर भी ये रिक्वेस्ट की गई इंडिया को या प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को कि वो उन नेबरिंग कंट्रीज को स्पेशली अदर कंट्रीज को सप्लाई करें, तो उसी में उसी के अंदर इंडिया ने ये एक्सपोर्ट खोले, लेकिन लेटर ऑन गवर्नमेंट ने रियलाइज करा कि ये क्राइसिस जो है ये अगर लंबा हो गया तो हमारे को अपनी फूड सिक्योरिटी के बारे में जरूर सोचना चाहिए और उसको इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने अपना एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसके रेट जो है इम्पोर्टिंग कंट्रीज के अंदर काफी बढ़ गए हैं, वजह ये कि सारे नेशन जो कि प्रोड्यूसिंग थे सब फूड सिक्योरिटी के लिए अपने नेशन के लिए अपनी जनता के लिए काफी अवेयर हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको सोचना शुरू करा और एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा जिस लेवल पे डिमांड है दूसरी कंट्री से, और सबसे बड़ा इसके अंदर आप देखिए फूड के अंदर रशिया और यूक्रेन ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, 25-30% जो वर्ल्ड की फूड सप्लाईज है वो ये इन दो कंट्रीज से आती थी, तो वहां अगर डिस्टर्बेंस है तो ये हार्डन है, इसकी जो रेट्स हैं वो ऊपर की साइड है, तो ये अभी लगता है कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इंडिया में जो फसल है वो काफी अच्छी है जो मार्केट से न्यूज आ रही है, तो अगर इसके अंदर हमारे पास सरप्लसेस क्रिएट होंगे तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट लेटर ऑन फिर दोबारा सोच सकती है कि ये फूड सप्लाईज को दूसरी जगह पे दूसरे नेशन में एक्सपोर्ट किया जाए। ठीक है नरेंद्र जी, गेहूं पर देखने वाली बात ये भी है
कि जैसे आपने अभी बताया कि रशिया और यूक्रेन दोनों मिलकर वर्ल्ड की 1/3 वीट की सप्लाई करते हैं, अगर ब्लैक सी से वो सप्लाई फिर से रिज्यूम हो जाती है, पूरे देश जितने भी दुनिया भर के देश हैं उनकी सिचुएशन को देखते हुए, तो फिर उसके बाद वीट का बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा? देखिए, ये जो आपने बताया ब्लैक सी में अगर स्मूथ इसकी ट्रांजिशन कर दी जाए, यही सिर्फ एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से लोगों ने, कंट्रीज ने इसको एक्सपोर्ट करना बंद किया हुआ है। लोकल फूड सिक्योरिटी जो है उसको मद्देनजर करते हुए काफी गवर्नमेंट्स ने एक्सपोर्ट को बैन किया है। आप देखिए, इसी के अंदर हमने देखा इंडोनेशिया में, मलेशिया में जो आपका वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो आपका उसको बैन कर रहा है, उन्होंने भी एक्सपोर्ट में या उसके अंदर टैक्सेस वगैरह लगाए हैं, एक्सपोर्ट टैक्सेस वगैरह, वो सिर्फ इसीलिए है कि अपनी कंट्री में और अपने सिटीजन्स के लिए फूड सिक्योरिटी की सारी गवर्नमेंट सोच रही हैं। सिर्फ ये ब्लैक सी का इशू नहीं है, ये दूसरे इश्यूज भी हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी के साथ महेंद्र जी बात करें अगर एडिबल ऑयल की, जैसा आपने बताया कि इंडोनेशिया ने भी इम्पोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, टैक्सेस बढ़ाए थे, बाद में घटाए भी थे और बढ़ाए भी थे, दोनों ही इंडोनेशिया ने करा था, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत जो कि अभी खाद्य तेलों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बना है, तो भारत जैसे देश पर जो दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश भी है, इस पर कितना इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम अपनी रिक्वायरमेंट का मोर देन 60% हम इम्पोर्ट करते हैं, और ये इंडोनेशिया की जो पाम ऑयल की मार्केट है इससे काफी इम्पैक्ट है। यूक्रेन भी आपको पता है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सोया ऑयल का, तो इन वजह जैसे और यूक्रेन की वजह से जो एडिबल ऑयल है वो काफी काफी तेज है। सारी गवर्नमेंट सोच रही है इसको कैसे टैकल किया जाए, इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह भी काफी कम करने की और खोलने की कोशिश करी गई है गवर्नमेंट से, और अभी लगता है इंडोनेशिया भी अपना एक्सपोर्ट जो है वो खोलने जा रहा है, तो उससे वो ईज अप हो जाएगा। बट यूक्रेन और मैं हर एक बात में कमोडिटी के अंदर यूक्रेन और रशिया को इसलिए बोल रहा हूँ कि इस सप्लाई चेन में खासकर एग्री के अंदर ये बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका वीट है इसका सारा का सारा इज आउट हो जाएगा 10-15 दिन में या जल्दी हो जाएगा, तो ये सारे जो है ये ठीक हो जाएंगे, अपने पुराने लेवल पे आने की मेरे को लगता है वहां पर आ जाएंगे। नरेंद्र जी, वैसे देखा जाए तो अब फेस्टिवल सीजन भी बताया जा रहा है कि इंडिया में फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो क्या उससे कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल को थोड़ा बल मिलता रहेगा, क्या उससे कुछ सपोर्ट रहेगा प्राइसेस में, या फिर जो प्राइसेस हैं वो सॉफ्ट ही रहेंगे आगे? देखिए, एक एनालिसिस किया गया था सी की वजह से जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन है, उसके अंदर ये एनालाइज हुआ था कि डिमांड जो है वो तो कम हुई है, लेकिन ये जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुए हैं इसकी वजह से मार्केट तेज है, तो डिमांड डेफिनेटली हमारे यहाँ फेस्टिविटी में बढ़ जाती है, तो अगर उसको अगर तब तक अगर हमारा ये सप्लाई चेन जो है ये खुल जाएगी, तो मेरे को नहीं लगता अभी तेजी है, ये सारा का सारा पुराने लेवल पे आ जाएंगे या अभी के लेवल से काफी नीचे आ जाएंगे रेट्स जो है। ठीक है महेंद्र जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में हमने देखा है कि जो प्राइसेस हैं या तो ऊपरी स्तर पर सीमित दायरे में हैं, या फिर अब थोड़े थोड़े यहाँ से कूल ऑफ होने शुरू हुए हैं। आज देख रहे हैं कि ग्वार गम, ग्वार सीड दोनों ही NCDX पर 2-2% की गिरावट के साथ है। दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि अमेरिका में नंबर ऑफ ऑयल रिग्स वो उनमें थोड़ी इजाफा हुआ है, तो आपको इससे क्या लगता है, क्या ग्वार का बाजार अब यहाँ से कुछ उठ पाएगा? ये सारा जो जैसे आपने बोला यूएस के अंदर रिग्स के अंदर और रिग्स खोल रहे थे और उसके अंदर डिमांड का वो था, और इंडिया बहुत बड़ा मेजर सप्लायर है इसके लिए, तो अगर ये क्रूड के रेट्स नीचे आते हैं, $100 से नीचे आते हैं, तो कई फिर दोबारा रिग्स जो है अनवायबल हो जाएंगे, और उसकी वजह से इसी को एंटिसिपेट करते हुए वार गम और इसके अंदर ऑयल के अंदर थोड़ी सी मेरे को लगता है
नरमी आई है, और गोइंग फॉरवर्ड अगर अगेन मैं फिर वॉर की बात करता हूँ, अगेन क्रूड ऑयल की, आपने भी पहले बोला था क्रूड ऑयल सारी कमोडिटीज का लिंक है उसी से, तो अगर ये क्रूड ऑयल अगर नीचे आएगा तो हमारे को लगता है कि गौरगम और इसके अंदर भी काफी सॉफ्टनेस होगी, बट अगर वो $140 है तो और वेल्स खुलेंगे, और रिग्स खुलेंगे, और डिमांड क्रिएट होगी, तो ये नीचे का जो ये टेम्परेरी 2% आज आप जैसे बता रहे हैं ये टेम्परेरी फिनोमिना होगा, ये अभी ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, नहीं स्पाइस कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है आपको? स्पाइसेस में भी हम ठीक यही पैटर्न फॉलो होते हुए देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर पर सीमित जा रहा है स्पाइसेस में, तो आपको क्या लगता है फंडामेंटली स्पाइस कॉम्प्लेक्स इंडिया का कितना स्ट्रांग है? देखिए जैसी उसी लाइन पे जहाँ सोपा ने या सी के ने कहा कि डिमांड के अंदर इतनी तेजी नहीं है, डिमांड जो है वो हल्की हुई है यहाँ पर सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स की भी और एडिबल ऑयल की भी, तो वही मेरे को ट्रेंड लगता है कि जो अगर हमारे यहाँ लोकल सप्लाईज ठीक रहे और डिस्टरबेंस ना रहे, कोविड का नेक्स्ट वेव ना आए, तो मेरे को नहीं लगता ऊपर के रेट जो हैं जो हमने देखे थे दोबारा अभी नए हाई बनेंगे, ये मेरे को लगता है सॉफ्ट ही रहेंगे ये वाले सारे प्रोवाइडेड अगेन मैं फिर दोबारा बोलूंगा कि हमारे यहाँ पर फिर जैसे चाइना के अंदर दोबारा लॉकडाउन आ गए हैं और हमारे यहाँ भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हमारे यहाँ कोविड सब कुछ ठीक रहता है और अंडर कंट्रोल है, दोबारा लॉकडाउन नहीं हो रहे, तो मेरे को लगता है कि स्पाइस कॉम्प्लेक्स भी जो है उसमें जो तेजी हमने पहले देखी थी वो ऊंचाइया जो रेट्स थे वो बन गए हैं ऊपर के, अब हमारे को वो वाले रेट अभी नहीं दिखाई देंगे उसके। तो यानी कि अगर नरेंद्र जी कुल मिलाकर अगर एग्री कम्युनिटीज का आउटलुक समअप किया जाए, एक कंक्लूजन निकाला जाए, तो बाजार कैसा रहेगा? हाँ देखिए बाजार जो है जो हमने अभी पीछे तेजी देखी पिछले 6 महीने 1 साल में, तो अगर सब अगेन फिर लिंक कर रहा हूँ मैं, अगर कोविड नहीं है सप्लाई चेन ठीक रहती है तो डिमांड जो है वही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड नहीं है जिसकी वजह से फर्क पड़ेगा। पूरा एग्री कॉम्प्लेक्स एग्री जो मार्केट है वो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसके अंदर रेट्स के अंदर काफी हार्डन होंगे, यहाँ पर जो है इसी लेवल पे ऐसे सॉफ्ट ही होने की मेरे को उम्मीद लगती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी साझा करने। थैंक यू।